गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे विंडोज डालते हैं, कैसे एक विंडोज 10 डालते हैं, अब ऐसे विंडोज 8 7 किसी में भी ट्राई कर सकते हो। सो मेरे पास एक लैपटॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी लैपटॉप का भी स्क्रीन आप देख रहे हो और साथ ही साथ कैमरा भी स्क्रीन, तो भी मैं दिखाऊँगा कैसे आप लोग इसमें कर सकते हो विंडोज 10 को। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा कि विंडोज 10 ही है, इसमें ऑलरेडी प्रोटेक्ट की होगी, ये सब लगा हुआ है। सो सबसे पहले क्या करना है, ये पेन ड्राइव चाहिए, ये जीरो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 64 GB का एक पेन ड्राइव है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में आपके कंप्यूटर डिवाइस में लगा लेंगे। सो हमने लगा दिया, अब आपको डिस्प्ले में आना है एंड ये देख सकते हो हमारा पेन ड्राइव, इसे हम ओपन करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि ये जितने भी फाइल हैं, ठीक है। अगर आप पेन ड्राइव लगाओगे आपके पेन ड्राइव होंगे, मैं एक वार्निंग दे दूँ, आपको मिनिमम 8 GB से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, नीचे वाला नहीं, ओके 8 GB से ऊपर होना चाहिए। एंड अभी आपको क्या करना है, आपके जो पेन ड्राइव का जितने भी डेटा है सारा आपको एक जगह में ले लेना है जहाँ पे आपको सेव होगा, क्योंकि ये जो पेन ड्राइव आपका पूरा ये फॉर्मेट होने वाला है, ओके। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहले आपको डेटा निकाल लेना है और उसके बाद आपको फॉर्मेट में करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, डैप आएगा ओके करने के लिए, ओके कर लेना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है, अब इसे ओके करेंगे, अब इसे क्लोज कर देंगे, इसे भी कट कर देंगे। सबसे पहले आपको करना ये रूफूस एक सॉफ्टवेयर है, आपको गूगल में मिल जाएगा, आपको रूफूस सर्च कर लेना गूगल में, सो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अगर मिलता नहीं है तो मेरे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस और कर सकते हैं, साथ ही साथ विंडोज 10 को भी सबसे पहले रूफूस ओपन कर लेंगे, यस कर लेंगे, ऑप्शन है यस कर लेंगे, आपको पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने एक से ज़्यादा लगाया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है पेन ड्राइव, मेरा एक ही पेन ड्राइव है तो ये सिलेक्ट करूँगा। ये चेक करना है, कैसे करते हैं मैं दिखा दूँ, उसमें इस पीसी में राइट क्लिक करना है, मैंने पे जाना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जीरो डिस्क जीरो राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में आ जाना है, उसके बाद ये भी सकते हैं वॉल्यूम इसको में आना है एंड आप पार्टीशन स्टाइल GPT, यहाँ पे आपको MBR होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके MBR कर लेना है, बाकी सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेंगे। और अगर आपको ये मेरे जैसा देखिए GPD है तो आपको GPD करना पड़ेगा, ठीक है, GPD कर लेते हैं, इसे क्लोज कर लेंगे GPD, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको आएगा विंडोज यूजर एक्सपीरियंस कस्टमाइजिंग इंस्टॉल। सो गाइस मेरे नाम आ चुका है, जैसे टिक कर देंगे, जैसे बल डेटा ऑल क्वेश्चन की क्वेश्चन ये सब कर लेंगे, ये भी टिक कर लेंगे, आपकी मर्जी में टिक कर लेंगे, जैसे भी ये वाला ऑप्शन छोड़ देना, आपको तीनों ऑप्शन क्लिक कर लें, उसका ओके कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये वार्निंग आ चुका है जो मैंने पहले बताया था कि डेटा डेटा डिलीट होने वाला है, ओके कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक ये ना पूरा ना हो जाए। Thank you.
भाई साहब दे सकते कि हमारे यहाँ पे पूरा डाउन पूरा हो चुका है, ये बूट ओवर पिंडर हमारा पूरा बन चुका है। सो अभी हमें क्लोज कर लेना है, उसका दम हमें क्या करना है बिल्कुल करके शट डाउन कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है अपने कंप्यूटर को फिर से ऑन करना है। ऑन करते समय आपको एक की प्रेस करना है जो है F2। यूनाइटेड किंगडम वो सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट सबसे भी हाई है, लैपटॉप हाई है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप विंडोज टेन प्रो ही डाल लो, नहीं तो विंडोज टेन होम में डाल सकते हो। जैसे कि मैं विंडोज टेन होम डालूँगा, नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर रहेगा IIFC, यहाँ पर टिक कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट उसको ओके जाना है। कस्टम में ये वाला पार्टीशन आपको फॉर्मेट कर लेना है, उसके लिए पिक कर लेना है ओके। उसका नेक्स्ट कर लेना है, इस पर कुछ सेटअप आएगा तो ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपका कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट होगा।
Now, let's get you connected to a network. That way, you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. How about the first one on the list? Would you like to use that one? I don't have internet. Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out of the way, choose yes. Continue with limited setup. आपका यहाँ पर थोड़ा सा पीसी यहाँ पे टाइम लेगा। हम जैसे थे कि हमने यहाँ पे पेन ड्राइव को खोल दिया, ये पेन ड्राइव खोल दिया। आगे से थे हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, सबसे ज़्यादा महंगा डिस्प्ले है। आगे से देखिए हमारे यहाँ पे विंडोज 10 फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। मैं दिखाऊंगा ये इस पीसी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।